तो हेलो गाइस, मुझे पता है आप लोग थंबनेल देखकर ही आए होंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग फ्री में पिक्सल लैब की मदद से कैसे आप लोग थंबनेल बना सकते हो एंड अपना लोगो बना सकते हो, सब कुछ। तो आपको मैं बताऊंगा अभी, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो बात करना। एंड अगर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो फिर आप लोग बाद में मेरे को बोलोगे प्रिंस भाई आपने गलत बताया है एंड आपने ये किया वो किया। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स रोल। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। एंड पिक्सल लैब ओपन करने के बाद आपको न्यू टेक्स्ट में मिलेगा। तो आपको न्यू टेक्स्ट में सिंपली न्यू टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे आपका जो फर्स्ट लेटर रहेगा, मेरा फर्स्ट लेटर एफ है, तो मैं यहाँ पे एफ सेलेक्ट करूँगा। एफ सेलेक्ट करने के बाद मैं सेकंड वाले पे जाऊँगा एंड सेकंड वाले पे गाइस आपको पैडिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे पैडिंग को आपको 14 रखना है एंड लेफ्ट पैडिंग एंड राइट पैडिंग दोनों को 14 रखना है। तो 14 रखने के बाद सिंपली से आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉन्ट्स के अंदर जाना है एंड ये सारे फॉन्ट्स आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको ये वाला फॉन्ट्स भी मिल जाएगा। तो आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। एंड फिर आपका जो सेकंड वर्ड रहेगा आपको फिर न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करना है डबल बार, तो डबल क्लिक करना है। तो आप लोग डबल क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे आपका जो सेकंड टेक्स्ट रहेगा, तो मेरा फौजी है, तो ठीक है मैं फौजी लिखूँगा यहाँ पे। तो चलो एंड फिर वही सेम स्टेप आपको इसमें भी करना है। आपको फिर पैडिंग पे जाना है एंड पैडिंग आपको लेफ्ट पैडिंग कर देनी है 14 पे एंड सेकंड पैडिंग मतलब जो राइट पैडिंग है उसको भी आपको 14 पे करना है। एंड आपको उससे ज़्यादा भी कर सकते हो बट मैं 14 पे ही करता हूँ। तो 14 पे आप लोगों को कर लेना है पैडिंग, ठीक है? 14 पे आप लोग पैडिंग कर लेते हो तो फिर आपको क्या करना है सिंपली से मैं भी बताता हूँ। फिर आपको फिर से फॉन्ट्स के अंदर जाना है एंड वही फॉन्ट आपको ले लेना है गीजर वाला। तो गीजर वाला आप लोग फॉन्ट ले लोगे तो फिर आपको यहाँ पे सिंपली सा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करते जाना है जैसे जैसा मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। एंड फिर आपको कलर का ऑप्शन इधर ही कहीं मिलेगा, तो मेरे को कलर का ऑप्शन मिल गया, आपको मिलेगा वहीं पे कलर के ऑप्शन में जाना है आपको। फिर आपको ग्रेडियंट चूज़ करना है, ठीक है? आप लोग ग्रेडियंट चूज़ कर लेना अपने हिसाब से, मैं भी ग्रेडियंट चूज़ कर लिया हूँ। तो आपको ग्रेडियंट ही चूज़ करना है और कोई कलर मत देना आप लोग। एंड अगर आपको ग्रेडियंट कलर कैसे बनाते हैं वो नहीं आता है तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो कमेंट करना, अगर आपको चाहिए उसके लिए वीडियो, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। एंड गाइस इस वीडियो का देखने करते हैं ओनली 30 लाइक, ठीक है? आपको ग्रेडियंट कर देना एंड ग्रेडियंट करने के बाद आपको स्ट्रोक पर जाकर स्ट्रोक को इनेबल कर देना, ठीक है? स्ट्रोक को इनेबल करने के बाद सिंपली सा आपको यहाँ पर आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है। एंड सारा काम ख़त्म होने के बाद आपको चौथे वाले ऑप्शन से जाकर ट्रांसपेरेंट को लेना है। एंड फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली से आके आपको इस वाले ऑप्शन में फिर से जाना है एंड आपको स्ट्रोक को इनेबल करना है, ठीक है? स्ट्रोक को आप लोग इनेबल कर दोगे तो इससे क्या होता है थोड़ा सा डार्क हो जाता है एंड अच्छा लगता है दिखने में हमारा लोगो। एंड आपको ब्लर रेडियस को थोड़ा सा कम कर देना एंड फिर आपको सिंपली सा यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है? ये वाला ऑप्शन आपके पास आ ही रहा होगा एंड आपको फिर सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है एंड फिर आपको सिंपली सा डिफॉल्ट के ऑप्शन पे जाके ओके क्लिक कर देना। एंड अब देखो, अब आपको यहाँ पे ब्लर होगा, आपको वो लोगो ले लेना है सिंपल से। एंड वो ब्लैक लोगो आप लोग लेने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन पे फ्रॉम गैलरी पे जाना, डाउनलोड आप लोगों को कर लेना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का रहेगा आप लोगों के सामने इंटरफेस। तो आपको सबसे पहले ये वाला बटन लेना है, ये वाला, ठीक है? तो आपको इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है, साइज आपको इसका बड़ा कर देना है, ठीक है? आपको इसको यहाँ पर रखना। एंड फिर सेकंड स्टेप है आपको फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर फिर से जाना है एंड फ्रॉम गैलरी पर जाने के बाद आपको क्या करना है मैं कमेंट सेक्शन में बताता हूँ आप सभी लोग। फिर आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर सेट कर देना, इस वाले ऑप्शन को भी सेट कर देना। एंड फिर आपका जो कैरेक्टर रहेगा, मैं आपको वहाँ पर 2 कैरेक्टर देने वाला हूँ, ठीक है? आपको उसमें से कोई सा भी कैरेक्टर अगर चाहिए तो ले लेना आप लोग। तो फिर मैं ये वाला कैरेक्टर ले रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। फिर आपको डाल देना सिंपल एंड कैरेक्टर आप लोग जैसे ही डालोगे फिर आपका एक ही काम बचता है, आपको फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन में जाना है। तो आपको वो वाला टेक्स्ट इधर लाना है, ठीक है? इधर लाके थोड़ा सा आपको टेक्स्ट बड़ा करना है एंड आपका जो भी नेम होगा वहाँ पे, ठीक है, जो भी नेम होगा आपको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, ठीक है? एंड देखो हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो आपको फिर से अब आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो सेव एज इमेज पे जाके आपको डेसिमेंशंस पे जाके आपको इसको अल्ट्रा पे रखना है एंड देखो आपको सेव टू गैलरी कर देना है एंड यहीं पर आप लोग का काम खत्म हो चुका है। एंड फिर आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कि कैसा हमारा लोगो टोटल बना हुआ है। अब आप लोग देख सकते हो कैसा लोगो बना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से बताना, ये लोगो को रेट करना 10/10 में से आप लोग जितना रेट दोगे।
एंड देखो, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा कि इसमें आप लोग को ग्रेडियंट कलर कैसे बनाना है एंड क्या कुछ करना है। तो गाइस, इस वीडियो को ओनली ऑन ओनली 30 लाइक एम है, तो आप लोग कंप्लीट करा देना इस वीडियो का लाइक एम। तो मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।